कंटेस्टेंट कैसे हैं आप लोग, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना जो ओजनल का जो एसी है डक्टेबल यूनिट, उसका जो फेस वगैरह है, उसका आइसोलेटर से लेके मैन पावर सप्लाई उसको कैसे देते हैं और क्या है, तो बने रहे इस वीडियो में। और दूसरी बात, आप अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे पेज को फॉलो भी करें। और दूसरा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, दिखाते हैं हम लोग ये आइसोलेटर कनेक्शन मैन पावर सप्लाई कैसे देते हैं। अभी ये हमारे साथ में हमारा जो टीम मेंबर है टेक्नीशियन मोहम्मद तैयब, अभी ये कर रहे हैं, हमारा फेस है। अभी हमारा इधर लेके आओ, ये दिखाओ जो टर्निजेस है, ये हमारा 4 टन का एसी है, डक्टेबल यूनिट ओजनल का 4 टन का एसी है। और ये जो एसी है ये 3 फेस एसी है। अभी 3 फेस में हम लोगों ने यहाँ पर 3 फेस यूज करना है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ये 3 फेस हो गया। और ब्लैक कलर का जो है एक न्यूट्रल यूज करना है, और एक येलो ग्रीन है, ये येलो ग्रीन हमने ग्राइंड में यूज करना है जो अर्थिंग में लगाएंगे। अगर इसके बीच में अगर कुछ कंप्रेसर में या पीसीबी कार्ड में या किसी भी फॉल्ट आता है, किसी भी उसका फॉल्ट आता है, तो ये ग्राइंड जो है एमसीबी को ट्रिप कर देगा, बड़ा फॉल्ट होने से या बड़ा चीज़ ख़राब होने से उस चीज़ को सेफ्टी बचाएगा। दूसरा, किस तरीके से हमने ये काम करना है। दूसरा, यहाँ पर जो अपना एफसीओ लगा हुआ है, एफसीओ को कंट्रोल वायर कहाँ से देते हैं और कैसे देते हैं और इसमें क्या क्या है और कौन कौन सा डिवाइस में ये काम करता है, सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। दूसरा, अभी ये जो एफसीओ है, एफसीओ का वायर हमारा ये आया हुआ है, ये जो वायर है इसमें एक ब्राउन कलर की वायर है, एक ब्लू कलर की वायर है, एक येलो ग्रीन वायर है। अभी ये जो वायर है नीचे नंबर लिखा हुआ है, इसमें कोडिंग नंबर है 1, 2, 3, इसमें कोडिंग नंबर है, एफसीओ के अंदर भी कोडिंग नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3। तो इसमें जो 1 नंबर है वो 1 नंबर हमारा फेस रहेगा, और 2 नंबर जो है हमारा न्यूट्रल रहेगा, और 3 नंबर जो है हमारा कम्युनिकेशन वायर है। जो कम्युनिकेशन वायर जो होता है, जैसे अपने डेकोरेटिव स्प्लिट यूनिट में जो होता है वो सीपी बोलते हैं, इंडिया में अपने सीपी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है, मतलब नीचे से इंडोर इस वायर में सप्लाई भेजेगा और ये सप्लाई जो है इस बोर्ड में आएगा, ये बोर्ड आगे आके सप्लाई जो हमारा कॉन्टैक्टर में देगा, कॉन्टैक्टर से आगे हमारा कंप्रेसर फैन वगैरह और ये सब कुछ ऑपरेटिंग करने लगेगा। और दूसरा, अगर ये कम्युनिकेशन वायर अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर ईरर कोड शो होने लगेगा, कि दोनों आउटडोर और इनडोर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो ईरर कोड शो होने लगता है। और दूसरा, हम लोग इसमें यहाँ की जो यहाँ पे जो आइसोलेटर कनेक्शन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, जैसे हमने ये 6 mm का वायर यहाँ पे डाला, उसके बाद में इधर लेके आए 6 mm का वायर डालने के बाद में ये अपना आइसोलेटर रहता है। आइसोलेटर में हमने ये ओपन वायर नहीं छोड़ना है। इसमें कोफ्लेक्स जी आई कंडीरूट है, ये जो पंच भी नहीं होता है, बारिश में ख़राब भी नहीं होएगा, जी आई कंडीरूट में अंदर से ये वायर गुजारना है। दूसरी बात, इसमें जी आई ग्लैंड लगाना होता है जिसका साइज 25 mm होता है, और ये आइसोलेटर में कनेक्शन करके हमको ये आउटडोर तक लेके आना होता है। अगर कुछ मेंटेनेंस भी अगर रहता है तो यहाँ पर इजीली से आइसोलेटर बंद करके आप आउटडोर के अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इसमें कुछ भी अगर मास्टर बोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आने लगता है तो ये LED है, जो LED है ब्लिंकिंग करने लगता है। अगर जैसे एग्जांपल समझ लो, ये अपना जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में इसका रूटिंग चेंज हो जाता है। जब इसका रूटिंग चेंज होने लगेगा ये, तो ये जो LED है, LED अपना जो है ना 2 बार ब्लिंकिंग करने लगेगा, LED बंद, तो इसका मतलब ईरर कोड जो कंप्रेसर का रूटिंग है वो चेंज है। तो आपने क्या करना है, आइसोलेटर क्लोज करना है। आइसोलेटर क्लोज करने के बाद में आपने ये जो वायर है रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर, ये 3 फेस में से कोई भी एक फेस को चेंज करना है। जहाँ पे येलो लगा उसको ब्लू लगा दें, जहाँ पे ब्लू लगा उसको येलो लगा दें, या ऐसे भी कर सकते हैं, रेड या येलो को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे रेड लगा है वहाँ पे येलो लगा सकते हैं, जहाँ पे येलो लगा है वहाँ पे रेड लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसका रूटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है।